Today on Sound Custom Gurus. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉन्ग कस्टम गुराज वंस अगेन। सो दोस्तों, हमारे आज के इस नए वीडियो में आप लोग देखने वाले एक और फुली डिटेल की स्केल मॉडल, जो कि एक्चुअल में हॉट व्हील्स की ही कार है। और ये कार है द 2009 फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक। तो क्या आप इस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, इस कार पर से आने ही वाला है 1, 2 and 3। द 2009 फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक, ये देखिए। सो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और मैं बताऊं, सर कार का एक सोर्स और रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, तो ये कार, वेल जितना तक मुझे याद है, मैंने कार आई थिंक 2019 के शुरू में खरीदा था, साइट शुरू में खरीदा था या फिर 20 में खरीदा था, मुझे याद नहीं मैंने से कब खरीदा था, लेकिन आई थिंक 2019 में सर खरीदा था। सो इस कार में बहुत ही कम डिटेलिंग डन हुआ है, ये काफी हद तक वैसा ही है जैसा कि वो ओरिजिनल कंपनी से आया था। बस कुछ माइनर डिटेलिंग याद कर देगा, जैसे कि ऐसा बॉडी ब्लैक पिलर जैसे सीधे, क्योंकि ये सब पहले बॉडी कलर था और ये सब डोर हैंडल्स में थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड हुआ है। उसके से भाई ये कार ऑलमोस्ट स्टॉक कंडीशन का ही है, क्योंकि कार की जो ओरिजिनल थी वो मैं लॉस नहीं करना चाहता था। मैं चाह रहा था कि ये देखने में स्टिल हॉट व्हील के ओरिजिनल मॉडल की ट्राई दिखे, बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें डिफरेंट हो, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सो फाइनली बर्कुट है आपको कार के सारे डिटेलिंग के बारे में बताने का, किस कार में एक्चुअल में क्या क्या सेंसर डन हुआ है। तो सबसे पहले बारी आती है कार की फ्रंट एंड की। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने कहा था कि इस कार में बहुत ही माइनर डिटेलिंग डन हुआ है। सामने हेडलाइट्स के अलावा आप लोग और कहीं में भी डिटेलिंग नजर आए नहीं आएगा। मैंने हेडलाइट्स को ब्लैकआउट कर दिया है, क्योंकि बम्पर्स और ग्रिल जैसे चीज़ें ब्लैकआउट है, सो इसलिए उसके साथ मैच करने के लिए मैंने हेडलाइट्स को भी ब्लैकआउट कर दिया है। उसके सिवाय बाकी विंडशील्ड वगैरह में और कोई डिटेलिंग डन हुआ है, क्योंकि कार के सामने के लिए मेरे ख्याल से इन्हीं डिटेलिंग ही काफ़ी है। लेकिन अगर कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में कुछ नोटिसेबल चेंजेस डन हुआ है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये सब जो जो पिलर जैसे चीज़ें, ये सब पहले बॉडी कलर था, लेकिन ओरिजिनल F-150 में ये ज़्यादातर चीज़ें वेल ब्लैक ही नज़र आता है, और जैसे मैंने ये सारी चीज़ें ब्लैक कलर में रीपेंट कर दिया। यहाँ पर आप लोगों को ये कुछ भी चीज़ें, इनमें भी आप लोग डिटेलिंग नजर आएगा, और बाकी डोर हैंडल्स और फ्यूल कैप जैसे चीज़ें जिनमें भी डिटेलिंग देन हुआ है। लेकिन उसके सिवाय कार साइज से भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे कि ओरिजिनली कंपनी से आया था। लेकिन अगर कार के रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में आप लोगों को टेल लाइट्स जो कि ब्लैक कलर की नज़र आएगा, बिल्कुल हेडलाइट्स की ट्राई, मैंने टेल लाइट्स को भी ब्लैक कर दिया है, क्योंकि इसकी बम्पर्स वगैरह सब कुछ ब्लैक है, तो इसलिए उसके साथ मैच करने के लिए मैंने टेल लाइट्स भी ब्लैक कर दिया है। अगर इस लोगों की बात करें तो यहाँ पर वैसे कुछ भी है तो नहीं, बस फोर्ड के लोगों की तरह एक पैटर्न है, मैंने उस पैटर्न को ब्लैक कलर में रीपेंट कर दिया है,
और बाकी ये जो लॉक होता है इनमें भी डिटेलिंग डन कर दिया है। उसके से भाई कार में और कोई एक्स्ट्रा चेंजेस डन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं इस कार में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस डन कर देता तो इस कार के ओरिजिनल डिज़ाइन के साथ छेड़खानी करने जैसा होता। सो इसलिए मैंने कार को ऑलमोस्ट वैसा ही रखा है जैसा कि ओरिजिनली कंपनी से आया था। मैं आने वाले फ्यूचर में रूफटॉप में भी थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा डिटेलिंग ऐड करने की सोच रहा हूँ, और व्हील्स जिनमें फिलहाल कोई भी डिटेलिंग डन नहीं हुआ है, मैं आने वाले फ्यूचर में व्हील्स में भी थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा डिटेलिंग ऐड करने की सोच रहा हूँ। वैसे भी इस कार में फिलहाल बस माइनर डिटेलिंग ही डन हुआ है, लेकिन और कुछ समय बाद मैं इस कार में और भी ज़्यादा डिटेलिंग करने की सोच रहा हूँ। हाँ तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिल्म लॉर्ड की मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आप लोग ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद की तैयार की गई स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, वी डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो द बेल आइकन सो वी गेट नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।